दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं व्यापम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट न्यूज। व्यापम ने जेल प्रहरी के एग्जाम की टेंटेटिव डेट रिलीज कर दी है और वो डेट है 24 अक्टूबर 2020। पेपर अक्टूबर में होगा या नहीं होगा अलग बात है, बट अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट के टेन्योर की बात करते हैं तो व्यापम ने इन एग्जामों को अपने टाइम पर लिया है। तो अगर कैलेंडर में डेट बढ़ती नहीं है तो आप तैयार हो जाइए, 5 महीने के बाद आपको एमपी पुलिस से रिलेटेड एक एग्जाम मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेल प्रहरी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कितने लेवल होते हैं, क्या एज होनी चाहिए, इन सारे ही पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो सारी जानकारी को जानने के लिए आप अंत तक बने रहे। अगर हम जेल प्रहरी के एग्जाम की बात करें, 2017 के बैच में ये एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के साथ होता था। 2018 में जेल प्रहरी का सेपरेट एग्जाम लिया गया और इस बार भी डेफिनेटली जेल प्रहरी का एग्जाम सेपरेट होने वाला है। तो अभी व्यापम ने कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है, बाकी की कोई चीजें रिलीज नहीं की हैं, लेकिन ये बताया है कि हाँ हम अक्टूबर में जेल प्रहरी का एग्जाम लेने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्वालिफिकेशंस होगा, क्या एज लिमिट होगी, तो हमारे पास जो बेस है वो है 2018 का नोटिफिकेशन। तो अभी हम ध्यान से देखेंगे कि 2018 नोटिफिकेशन के बेसिस में क्या क्या क्वालिफिकेशंस, क्या क्या स्टैंडर्ड्स फुलफिल करने होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपको कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए अगर आप जेल प्रहरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। 10+2 एग्जाम पैटर्न, पहले के समय में आपने सुना होगा 10+2 नहीं होता था, 11th को ही जो है फाइनल एग्जाम मान लिया जाता था। तो 10+2 एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपने हाई स्कूल क्लियर किया हुआ है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, और ओल्ड पैटर्न पे अगर हम बात करें तो आपके लिए हायर सेकेंडरी। तो अगर हम बात करते हैं अगले स्टैंडर्ड की, शारीरिक दक्षता क्या चाहिए, क्योंकि पुलिस से रिलेटेड एग्जाम है तो डेफिनेटली कुछ फिजिकल मेजरमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे बॉयज के लिए हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है 165। तो जो बच्चे एमपी एसआई में क्वालिफाई नहीं कर पाते थे फिजिकल स्टैंडर्ड्स, 168 सेंटीमीटर यानी 167.5 सेंटीमीटर, तो यहां पे 165 सेंटीमीटर बॉयज के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए। अगर हम गर्ल्स के लिए बात करते हैं मिनिमम हाइट है 158 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर हम अदर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, नॉक नी, फ्लैट फुट और किसी भी प्रकार का आई में एरर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आई टेस्ट तो बाद में होगा, बट जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो नॉक नी और फ्लैट फुट ये दोनों चीजें जो है जब क्लियर होंगी तो ही फिर फिजिकल में आपको अपियर होने दिया जाएगा। तो अभी हमने दो क्वालिफिकेशंस देखी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद हमने ये जाना कि आखिर क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर 10th तो मांगा है क्वालिफिकेशन, अच्छा एक चीज ये भी है, कोई इसे फाइनल मान के ना बैठ जाए, ये जितनी भी जानकारियां हैं ये 2018 के नोटिफिकेशन पर बेस्ड है, नए नोटिफिकेशन में थोड़ा बहुत चीजें चेंज भी हो सकती हैं, तो जब नोटिफिकेशन आएगा उस पर भी हम बात करेंगे। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं, कई बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर 10th तो पास करने की एज लगभग बच्चे 16 से 17 साल में कर लेता है, तो अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपकी एज मिनिमम 18 साल है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। मतलब अगर इसे हम नाम देते हैं जेल प्रहरी 2020, तो इसका मतलब है 1 जनवरी 2020 तक आपको 18 साल की उम्र पूरी कर लेना चाहिए तो आप इस परीक्षा में अपियर कर सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम एज की बात करते हैं, आउटसाइडर्स यानी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, जिसे हम ओपन कंपटीशन का नाम देते हैं, खुली प्रतियोगिता का नाम देते हैं, उसके लिए उम्र निर्धारित की गई है 18 से 25 वर्ष। अगर आप एमपी के सिटीजन हैं, यानी आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और सामान्य वर्ग के हैं, तो आपके लिए
25 प्लस 8 यानी आपकी अधिकतम उम्र सीमा है 33 वर्ष, और अगर एमपी के हैं, जनरल हैं, फीमेल हैं और या कि बाकी अदर रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए जो मैक्सिमम एज है दैट इज 38 ईयर्स। तो अभी हमने एज लिमिट जानी कि किस उम्र के बीच के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर एग्जाम में चयन के कितने स्तर है। तो इस एग्जाम में चयन के दो स्तर है। सबसे पहले आपको गुजरना होगा रिटन टेस्ट से। जब आप रिटन टेस्ट में जाएंगे तो एक सीट पे 10 कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर व्यापम ने 500 सीटें निकाली हैं तो एक सीट पर 10 का मतलब ये है टोटल 5,000 बच्चों को रिटन एग्जाम में सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब जब रिटन का रिजल्ट आएगा तो उसमें 5,000 रोल नंबर्स मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं रिटन के बाद क्या। रिटन के बाद का जो स्टेज है उसे हम कहते हैं शारीरिक दक्षता, शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक दक्षता। माप परीक्षण का मतलब क्या है, जब आप फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे तो जैसा हमने आपसे बोला आपकी हाइट, मेल्स के लिए चेस्ट और नॉक नी और फ्लैट फुट चेक किए जाएंगे, फीमेल्स के लिए हाइट। तो अगर आप इन स्टैंडर्ड्स को क्लियर करते हैं तो दो इवेंट्स होने वाले हैं, एक है रनिंग और एक है शॉट पुट। रनिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, यानी रनिंग की अगर हम बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए जो टाइम डिसाइड किया गया है दैट इज 2 मिनट 50 सेकंड्स। 2 मिनट 50 सेकंड में आपको 800 मीटर की रेस क्लियर करनी है। फीमेल्स के लिए 4 मिनट का टाइम है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड है, मतलब आप इसमें बहुत बेहतर करते हैं तो इसका कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलना है। अगर आप सिर्फ क्लियर कर लेते हैं तो भी आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। रनिंग के बाद एक दूसरा इवेंट होता है शॉट पुट, और शॉट पुट में मेल्स के लिए 20 फुट 7.2 kg के गोले को आपको फेंकना होगा और फीमेल्स के लिए आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि रिटन टेस्ट में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पहला स्टेज है रिटन टेस्ट। बॉस जब तक हम रिटन टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे तो एग्जाम सिलेक्शन की तो बात ही नहीं आती है। तो रिटन टेस्ट में पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है, एमपी गवर्नमेंट का एग्जाम है तो बॉस नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होनी है। 100 नंबर का एक पेपर होना है जिसमें 5 सेगमेंट्स आपको मिलने वाले हैं और पांचों इक्वल वेटेज रखते हैं। अब ये 5 सेगमेंट्स कौन से हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है एमपीजीएस। एमपीजीएस के अलावा आप करंट अफेयर्स पर यहां फोकस कर सकते हैं। बाकी अगर आपका जीएस थोड़ा सा वीक है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सामान्य ज्ञान के बाद आपको यहां पर हिंदी और इंग्लिश मिलता है और इसके बाद आप मैथ देखते हैं। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर रीजनिंग नहीं दिख रहा है। बॉस रीजनिंग सेपरेट सेक्शन नहीं है, मैथ के ही स्लैब में कुछ क्वेश्चंस, ज्यादा वेटेज नहीं है, ये बात भी सही है। मैथ के सेगमेंट में कुछ क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के भी मिल जाएंगे और लास्ट में आप देख पा रहे हैं जनरल साइंस। पांचों सेक्शन से 20-20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 20-20 नंबर के। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा और जो है इसमें अब हम बात करते हैं आखिर कौन सी सब्जेक्ट हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल है। यहां पे अगर हम मैथ और हिंदी की बात करते हैं, मैथ और हिंदी दो ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर आप 100% स्कोर कर सकते हैं। यानी आपका एग्जाम बचता है 60 नंबर का, 40 नंबर में तो बॉस आपको 40 लाने होंगे अगर आप चाहते हैं आप सेलेक्ट हो। बाकी के 3 सेगमेंट्स यानी 60 नंबर में अगर आप 40 भी ला लेते हैं तो ये एग्जाम आपका है। तो अब हम बात करते हैं 2018 के बैच के कट ऑफ के बारे में। तो यहां पर जो डेटा आप देख पा रहे हैं, अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करें, मेल्स फीमेल्स ओबीसी एससी एसटी सारे ही कैटेगरीज के कट ऑफ यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं।
तो अगर हम हायर डेटा की बात करते हैं जनरल कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट के लिए पहले राउंड का कट ऑफ लास्ट ईयर यानी 2018 का था 73 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये है अगर हम इस ईयर की बात करते हैं तो मिनिमम हमें तैयार होना होगा 80 प्लस। बॉस जब हम 80 प्लस पाएंगे तो ही फिर हम फाइनल मेरिट में सेलेक्ट हो पाएंगे, अदरवाइज हम फाइनल मेरिट में बाहर हो जाएंगे। देखिए जरा यहां पे जो आप देख पा रहे होंगे ये है फाइनल मेरिट, जहां पर आप देख पा रहे हैं जनरल कैंडिडेट के फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मार्क्स हैं दैट इज 78 मार्क्स। तो अभी हमने ये बात की कि क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एज लिमिट है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, रिटन एग्जाम में कितने गुने बच्चे सेलेक्ट होंगे, फिजिकल में क्या क्या इवेंट्स होंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने घंटे का एग्जाम होगा। अब हम बात करेंगे इतने सारे चैलेंजेस के बाद आखिर हम इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो एक बात हम आपको बता दें, इसके सिलेबस में जो भी चीजें आप देख पा रहे हैं अगर आप एमपीएसआई की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हम तो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमें ये एग्जाम देना होगा या देना चाहिए? तो हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि किसी भी एग्जाम को आप हल्के में ना लें, लाखों की भीड़ में से चंद कुछ सैकड़े बच्चे सेलेक्ट होता है। तो बॉस पहले एग्जाम क्लियर करें और उसके बाद फिर ये आपका डिसीजन है आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। पहले आप एग्जाम में अपीयर करें, एग्जाम क्लियर करें, क्योंकि अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये एग्जाम आपके लिए है। अब हम बात करते हैं आखिर कैसे तैयारी को हम बेहतर कर सकते हैं। 5 महीने का टाइम है तो जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहला काम करिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को फॉलो करिए। और इस चैनल में भी हम आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप प्ले स्टोर में जाके कुरुक्षेत्र एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपके एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट हम आपको बड़े इजी मैनर में देने वाले हैं। इसके अलावा इस दिए गए नंबर पर आप कभी भी जो है किसी भी विषय में एग्जाम से रिलेटेड किसी भी डाउट से रिलेटेड आप यहां पर मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी ही जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर्स में हम मिलेंगे।